गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पासवर्ड इंटरनेशनल स्कूल। आज आपके क्लास थर्ड की मैथ्स का अपना चैप्टर 3 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर अपन ने पढ़ा था 4 डिजिट नंबर का, सेकंड चैप्टर अपन ने एडिशन का पढ़ा था, उसमें अपन 3 डिजिट 4 डिजिट तक की एडिशन वगैरह करना सीखी थी, उसके ऊपर बेस्ड फॉर प्रॉब्लम सीखी। आज की जो क्लास है उसमें अपन नया चैप्टर जो सबट्रैक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इसकी फर्स्ट क्लास है। देखिए सबसे पहले सबट्रैक्शन क्या होता है। सबट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज को, कोई नंबर को किसी दूसरे नंबर में से माइनस करना या मतलब घटाना, एक तरह से जिसको अपन हिंदी में कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने एक नंबर लिया, कोई बड़ा नंबर, उसमें से छोटे नंबर को आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। जैसे 12 माइनस आप 5 कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन। या फिर जैसे आप मार्केट गए, आप 20 रुपीज कैरी करके गए अपने साथ में, ठीक है, और आपने 7 रुपीज का पेन लिया, ठीक है, और आपने 5 रुपीज का क्या ले लिया, एक पेंसिल ले ली। ठीक है, तो 7 और 5 कितना हो जाएंगे, पहले ऐड करोगे 12 और आपने 20 रुपीज थे वो आपने शॉपकीपर को दिए, ठीक है, तो वो वापस आपको सब्ट्रैक्ट करके देगा। 20 माइनस जो 12 रुपीज का आपने सामान लिया था पेन पेंसिल, वो माइनस करके आपको 8 रुपीज वापस दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट चलता है, साथ ही साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। और हम अपन पढ़ रहे हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर, तो आपके बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं फर्स्ट पेज के ऊपर, उसको अपन चारों को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट इसमें से क्या दिया हुआ है, 152 माइनस 148, ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो को माइनस करेगा, ये 2 में से 0 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि जो 2 थे उसमें से कुछ गया ही नहीं, 0 सब्ट्रैक्ट हो चाहे ऐड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो नंबर आ जाता है। 2 माइनस 0 आपका 2 हो जाएगा। फिर 5 माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। 5 रुपीज थे, 4 रुपीज का हमारा होगा तो 1 रुपया बचेगा, वैसे 5 माइनस 4 1 होगा, 1 माइनस 1 आपका 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। 152 माइनस 140 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ये इसको बोलते हैं वंस प्लेस। ठीक है, ये 21 संख्या होती है, वंस प्लेस ये 10th प्लेस ये दहाई संख्या होती है, और ये 100th प्लेस है ये आपकी सैकड़े वाली संख्या होती है। ठीक है, जो वंस प्लेस होते हैं वो आपके कहां से कहां तक होते हैं, 0 से 9 तक होते हैं, और 10th प्लेस जो होते हैं वो आपके 10 से लेके 99 तक होते हैं, और 100th प्लेस जो आपका 100 से स्टार्ट होता है और 999 यानी 999 तक चलता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए वंस प्लेस में आपने क्या है, 7 7 माइनस 2 करेंगे तो क्या जाएगा, 5। फिर 10th प्लेस में 7 माइनस 1 करेंगे तो कितना जाएगा, 6। ठीक है, और 100th प्लेस में 1 माइनस 2 करेंगे, 0। ठीक है, तो 177 माइनस 1 112 करोगे तो 65 आंसर आएगा। ये 65 कैसे करना, वंस पे 5 है और 10th पे 6 है, तो 6 पे 10 6 इनटू 10 60 हो जाएगा, और वंस का 5 5 इनटू 1 पे 5 हो जाएगा, 60 + 5 = 65। ये इस प्रकार से नंबरों को पढ़ा भी जाता है। अगला एग्जांपल है आपका 240 माइनस 159 करना है। अब 0 माइनस 9 नहीं हो सकता, तो ये करेगा प्रोडक्ट गार्ड लेगा, ठीक है, इससे गार्ड लेगा यानी कॉलम करेगा, तो ये 1 कॉलम करेगा, 1 कॉलम करके ये क्या हो जाएगा, 1 और 0 10 हो जाएगा। फिर 10 माइनस 9 आपके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, इसने बॉलो दिया तो ये कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब 3 भी 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो ये 5 होने से बॉलो करेगा, क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, अब 13 माइनस आप 5 करोगे, ठीक है, तो आप कैसे जोड़ोगे, 5 और 5 10 होता है और ऊपर देते ये 5 + 3 8। ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, इसने बॉलो दिया तो 1 हो गया, 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके 0 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 81। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है 121 माइनस 120। ठीक है, आंसर तो 1 ही आएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 0 से 2 किया 0, 1 + 1 किया 0, ठीक है, आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसके ऊपर आपके नेक्स्ट पेज पर कुछ है ना, नॉर्मल से कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, वो किसके बारे में, डेवलपिंग, सबसे पहले देखिए इसमें टॉपिक दिया हुआ है डेवलपिंग सब्ट्रैक्शन सेंस। ठीक है, कि किस प्रकार से आपके अंदर एक सब्ट्रैक्शन का सेंस आता है, किस प्रकार से आप चीजों को सब्ट्रैक्ट कर पाते हो। ठीक है, तो ये सीखना है इसके अंदर। इसमें दिया हुआ है बेसिक सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स, फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, जो तथ्य है जो आपके सब्ट्रैक्शन यानी जो घटाने को लेके है। ठीक है, उसमें देखिए क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल 1 में, जैसे आप 9 माइनस 4 करते हैं, दोनों 0 से 9 के बीच में, ठीक है, तो 9 माइनस 4 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये तो आप बड़े इजी से कर लेंगे, 9 माइनस 4 यानी 5 6 7 8 9, ऐसे लिख के आप क्या कर लेंगे, 5 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये 5 आ गया। अब ऐसे ही अगर मान लो मैं 9 की जगह 9 भी लेता हूँ और 4 की जगह 40 ले लेता हूँ, तो 5 की जगह भी क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। जैसे यहाँ 0 रुपया, यहाँ 0 रुपया, तो यहाँ भी 0 फुट हो जाएगा। सिमिलरली 9 की जगह 90 लिया, 90 की जगह 900 लेते हैं, 4 की जगह 40 लिया, 40 की जगह 400 लेते हैं, 00 इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपके 00 आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 900 - 400 = 500। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल इसी 10 पे देखिए, 7 - 5 जो आप करेंगे कितना आ जाएगा, 2। अब 7 - 5
की जगह 20 हो जाएगा, मतलब सबकी जगह पीछे पीछे एक जीरो ऐड हो जाएगा। इसके बाद में जैसे मैंने 7 की जगह 70 लिया, 5 की जगह 50 लिया, 2 की जगह 20 लिया, वैसे 7 की जगह 700, 5 की जगह 500 और 2 की जगह 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप क्या है जो है आपके अंदर एक सब्ट्रैक्शन हैबिट आती है, एक सेंस डेवलप होता है कि सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। ठीक है, अगर नंबर्स की वैल्यूएशन फेस वैल्यू या तो भी चेंज होता है तो आप उसको कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, यूज ऑफ मेंटल मैथ टू सब्ट्रैक्ट नंबर्स। ठीक है, अब आप मेंटल मैथ्स का यूज करके किस प्रकार से नंबरों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो वो देखते हैं। यहां पर देखिए सिस्टम टू सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम 140। सबसे पहले जब भी इस तरह से कोई लैंग्वेज सीखी होती है और जब फ्रॉम आता है बीच में, तो जो बाद में नंबर आता है उसको पहले लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में, और जो पहले आता है उसको बाद में लिखते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर। यानी 50 माइनस 140 नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे 50 माइनस 140 लिख देते हैं। ठीक है, तो गलत हो जाता है, 140 माइनस 50 लिखना है। अब इसमें क्या करना है, नहीं अगर मान लो मैंने 40 माइनस 5 किया होता, इस 40 में से 5 माइनस करता हूं तो मेरा क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब 14 की जगह यहां पे क्या 140 इसका होगा 14 टेंस हो जाएगा। ठीक है, 14 टेंस यानी अगर मान लो मेरे पास 10 रुपए 14 नोट्स होंगे, ठीक है, करेंसी नोट तो मेरे पास 140 रुपीस हो जाएंगे, तो वैसे ही यहां पे 14 टेंस हो जाएगा माइनस इस 5 की जगह पे 5 टेंस लिखो तो 9 की जगह 9 टेंस हो जाएगा। अब इसको कन्वर्जन करो, 14 टेंस यानी 14 इनटू 10 140 हो जाएगा, माइनस 5 टेंस यानी 5 इनटू 10 50 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 टेंस यानी 9 इनटू 10 यानी 90। तो इसका जो आंसर था वो आपके क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 140 माइनस 50 का आंसर 90 हो जाएगा। सेकंड इस प्रकार से हम कर सकते हैं 500 फ्रॉम 1400। तो फ्रॉम लिखा है तो ये पहले करेंगे और इसको बाद में करेंगे। 1400 की जगह मैंने क्या किया, ये सोचा 40 माइनस 5 करके देखता हूं, 40 माइनस 5 जो है वो करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो ऊपर आता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 9 आता है 40 माइनस 5। ठीक है, सो अगर मैं 40 की जगह 1400 ले लेता हूं तो 5 की जगह 500 लूंगा और 9 की जगह 900 लूंगा। अब इसका कन्वर्ट करो 40 को 100 है, अगर 14 14 नोट्स हैं आपके पास में 100 रुपए के, 1400 रुपए 1400 होंगे, वैसे 500 के अंदर 5 नोट होंगे तो आपके 500 हो जाएंगे। ठीक है, तो 1400 माइनस 500 तो 900 यानी 100 रुपए के 9 नोट आपके अंदर रहेंगे 900। तो इस प्रकार के आपके आंसर जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा जनरल तरीका है, मतलब जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह की जरूरत पड़ेगी, बट एक बार सीखने के लिए आपको इस प्रकार से ये सीखना है। ठीक है, तो आपका जो इसका आंसर है जो सब्ट्रैक्शन का है 1400 से 500 करने का, वो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में से भी समझाने का था, तो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसकी एक्सरसाइज 3.1 पर स्टार्ट करेंगे।